शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये बड़ा एक संगीन इंसानी मसला है और मैं ये समझता हूँ कि ये इसको रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और जो कमेटी है एजुकेशन की उसको भी अगर चला जाए तो वो दोनों तरफ की आरा को सामने देखकर गवर्नमेंट को किसी तरीके से गाइड कर सकते हैं। अब जो लोग 5 साल के लिए डेपुटेशन पर आते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करवाते हैं और फिर उसके बाद जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो ना फिर यहाँ के रहते हैं ना फिर जो अपना पेरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ जा सकते हैं, और अगर चले भी जाएँ तो फिर एक डिवाइडेड फैमिली का की प्रॉब्लम जो है दोबारा शुरू हो जाती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई मौसर और मुतफिका इलाज होना चाहिए। ये इसी तरीके से ये एक शटल काक बने हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, और अगर अपने वसाइल से वो अदालतों में अपने मामलात को ले जाएं और वो कितना अरसा लगता है तो ये भी एक बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एजुकेशन कमेटी जो है उसको जाए, वहाँ जो मिनिस्टर एजुकेशन है वो भी आएँ और जो दूसरे मुतलका लोग हैं वो भी वहाँ बैठें और बैठ कर कोई ऐसा इसका हल निकाला जाए जिससे वो लोग जो डिस्टर्ब्ड हुए हुए हैं, डिस्टर्बेंस हुई हुई है उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में भी और यहाँ भी और ख़ुद उनको भी और फिर फैमिली डिस्टर्ब होगी, तो ये सारे पहलू जो हैं वो देख कर फिर इस पर कोई मुकम्मल गौर करना चाहिए। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आज सुबह जब क्वेश्चन आर था तो उस वक़्त ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई प्रोसीजर की और तरीक़ाकार की कोई कमी है। मिसाल के तौर पर पहले ये होता था कि जो सवाल किसी महकमे से पूछा जाता था और वो अपने मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करते थे कि इस सवाल के पॉसिबल जवाब क्या है, जो फिर आगे मिनिस्टर की मर्ज़ी है कि अपने अल्फाज में कैसे उसको बयान करते हैं। और दूसरा यह है कि उसके साथ साथ बड़े अरसे से ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह एक तरीक़ाकार वहाँ दिया हुआ है कि पॉसिबल क्वेश्चंस इसके अलावा क्या हो सकते हैं, जो अगर उस पर गौर ना हुई हो तो फिर ला महाला फिर ये सवाल आता है कि फ्रेश क्वेश्चन दें, ये अभी मैं पता करके बताऊँगा। तो इसका मतलब यह है कि इस पहलू के ऊपर भी कोई ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं हुआ हुआ। मैं जब शुरू में आया तो उस वक़्त मैंने खुद ये तरीका देखा था कि महकमा कोई हो, जब मैं लीडर ऑफ द हाउस था उस वक्त भी यही होता था कि महकमे पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो भी लिख देते थे और उनके जवाबात भी लिख देते थे, ताकि फिर ये ना हो कि आधा आधा जवाब दिया और आधा जो है वो फिर और कोई तकरीर सियासी शुरू कर दी। तो इसलिए वो फिर मुझे एक दो दफ़ा कहा भी गया कि हम इस पर वॉकआउट करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। तो लेकिन बेहतर यही है कि उस तरीके को दोबारा अपनाया जाए जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि जो महकमा जवाब आपको दे, मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो उनसे पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं सप्लीमेंट्री वो भी लिखे हुए हों और उनके जवाबात भी लिखे हुए हों ताकि कंप्रिहेंसिव जवाब दिया जा सके। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन।